हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी, आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर नवंबर मंथ की रीडिंग। आपकी होल एनर्जी ओके, जो भी नवंबर मंथ की है वो यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। ये जिनसे भी रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर चार्जेस पता चल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम देखते हैं आपकी करंट एनर्जी, द लवर की आई है आपकी करंट एनर्जी। पहले कार्ड्स निकाल लें। एस ऑफ कप्स, रिसेंट पास की एनर्जी है, थ्री ऑफ कॉइंस आपकी फ्यूचर की एनर्जी नवंबर मंथ की, एस ऑफ सॉर्ड्स आपके ब्लॉकेजेस। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स की स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पर एट ऑफ कॉइंस यहाँ पर। पाइसिस पीपल, आपकी एनर्जी ये आ रही है कि द लवर्स का कार्ड है। आप मे बी आप ऐसे पर्सन को यहाँ पर चाहते हो जो कि बहुत ज़्यादा आपके अपोजिट है, या आप आपके फील्ड से डिफरेंट है, या आपका और उनका जो ओपिनियन है ओके, थॉट प्रोसेस है, लाइफस्टाइल है डिफरेंट है ओके, बहुत टाइम यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है और उनको इसलिए मे बी आप उनको आपका प्यार उनको दिखा नहीं पा रहे हो, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ये डिज़ायर लव है नहीं है। ओके, पेज ऑफ कप्स, यस आप उनमें ढूंढते हो, कुछ नयापन ढूंढते हो और चाहते हो उनको, बट आप शो नहीं कर पा रहे हो, आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो, उनको दिखा नहीं पा रहे हो, ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके, आपकी रिसेंट पास की एनर्जी यही है कि आपको जो भी आपने खुद में चेंजेस लाए हैं, जो लोगों ने आपको यहाँ पर तकलीफ दी है ओके, शायद मे भी फाइनेंस में आपको किसी ने तकलीफ दी है, या आपको मैनिपुलेट किया है, या आपको धोखा दिया है, ने दिखाया है सपोर्ट है और आपको सपोर्ट, एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं दिया, बट फिर भी आपने खुद को वहाँ से हैंडल किया है और खुद को वहाँ से निकाला है उन लोगों से। सो ये है आपके पास की एनर्जी और आप अपने जीवन के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। यस, आपने बहुत अच्छा मैनिफेस्ट किया और उन लोगों से दूर रखा खुद को, और आप आपने उनसे बात करना ही मे भी यहाँ पर स्टॉप कर दिया, ये भी एनर्जी है। आपने खुद को यहाँ पर उनसे दूर रख कर ही आपको ऐसे लगा कि यस आपके आपका जीवन अच्छा बन सकता है, सो आपने यहाँ पर वही पॉजिटिव डिसीजन लिया और अपने पॉजिटिव वे से आगे बढ़ गए। ओके, सो आपकी एनर्जी ये है। यहाँ पर ब्लॉकेजेस है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर आपकी एनर्जी ये आ रही है ना कि आप ना किसी ने आपको बॉदर किया तो आप ना जल्दी से डिप्रेशन में चले जाते हो, ये एनर्जी आ रही है। आपको किसी ने बताया कि आप में ये रॉन्ग है या ये कुछ है, सो आप जल्दी से खुद को ब्लेमिंग के एनर्जी में लेके जाते हो, या खुद को डिप्रेशन में लेकर जाते हो, वहाँ से फिर जल्दी निकल नहीं पाते हो, फ्यूचर को नहीं देख पाते हो आप, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके,
क्योंकि आप ना पहचान ही नहीं पाते हो कि कौन सच है कौन झूठ है, कौन कैसा है, ये ना आप जल्दी समझ नहीं पाते हो। इसके वजह से ना आप जल्दी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, ये आपके ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर। सो आपको इस पहचानना है और आपकी ये स्ट्रेंथ बढ़ाना है आपको कि यस आप लोगों को पहचान सके कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है। ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके सो यहाँ पर वो आप ब्लॉकेजेस निकाल लोगे तो आपकी ज़िंदगी है ना बहुत इजी से आगे बढ़ेगी और बहुत इजी वे से आप अपनी ज़िंदगी को मॉडिफाई कर पाओगे। ओके सो बार बार आप डिप्रेशन लोगे, किसी ने कुछ कह दिया किसी ने कुछ कह दिया तो लोग तो बोलते ही रहेंगे ना। ओके सो एक तो आपके आजू बाजू यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आपके बहुत सारे कार्मिक हैं। ओके बहुत ज़्यादा लोग आपके पास में ऐसे हैं कि जो आपको तकलीफ देते रहते हैं, फिर भी आप खुद को संभालते रहते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ओके खुद को संभालते रहते हैं पर फिर भी आप यहाँ पर है ना डिप्रेशन में चले जाते हो। आपको किसी ने जल्दी कुछ बोल दिया तो आप हर्ट हो जाते हो और खुद को ही जैसे स्टक कर लेते हो। ओके निकाल नहीं पाते हो जल्दी से उसमें से। सो उसके वजह से आपकी ग्रोथ में डिफ़िकल्टीज आती है, चाहे वो लव लाइफ हो या आपके आपकी करियर की ग्रोथ हो। ओके सो यहाँ से वहाँ से जल्दी से मूव ऑन हो जाते हो या रुक जाते हो, ये एनर्जी है। ओके यानी हार मान लेते हो और जल्दी से वहाँ से निकलना ही पसंद करते हो। द मून की एनर्जी, आप सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करते हो, यही आपकी स्ट्रेंथ है कि आप ना खुद को ज़्यादा देखते हो। ओके इनर वर्क बहुत ज़्यादा कर लेते हो और उसी के वजह से आप आगे बढ़, यानी ये स्ट्रेंथ है आपकी कि आप इनर वर्क करते हो। खुद के दूसरों के ऊपर ब्लेम करते बैठना या किसी के साथ में झगड़ा करना, थर्ड पार्टी ने या किसी ने आपको तकलीफ दी उसके साथ में आप क्रॉसिंग करते बैठना, ये आपको पसंद नहीं है। आप बेहतर है कि खुद के इंट्यूशंस को सुनते हो और खुद के इनर वर्क को सुनते हो, इनर वॉइस को सुनते हो, उस हिसाब से आगे चलना पसंद करते हो या रुक जाते हो कि नहीं स्टेप लेना है तो रुक जाते हो, होल्ड करते हो, बट चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस हो तो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा सोचते हो। यहाँ पर ये एनर्जी है। ओके सो यहाँ पर नवंबर मंथ की आपकी एनर्जी है एस ऑफ सॉर्ट्स की। यस डेफिनेटली आपका विजन क्लियर रहेगा, अभी आप अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहोगे, कम्युनिकेशन स्किल, आपका थ्रोट चक्र यहाँ पर ओपन अप होगा। ओके ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, हार्ट चक्र ओपन अप होगा, थ्रोट चक्र ओपन होगा। ओके जिसके वजह से आप क्लियर रहोगे और आगे बढ़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी, चाहे वो फ्रेंड्स हो या चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, जो भी है। ओके जजमेंट डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर आपको कॉल दे रही है कि यस आप में चेंजेस ला रही है, सो वो चेंजेस एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। ओके सो आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आप जो फाइनेंस को प्यार को यहाँ पर एस ऑफ कप्स एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह ग्रेट। ओके किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर, आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी आप कन्वर्ट कर रहे हो। आपके लाइफ में डिज़ायर्ड लव चाहते हो, आपके लाइफ में डिज़ायर्ड गोल चाहते हो। ओके सो यहाँ पर आपको यहाँ पर जजमेंट मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, सो इस जजमेंट को एक्सेप्ट कीजिए और आपकी यहाँ पर ग्रेजुअली धीरे धीरे आप में पूरी तरह ग्रोथ आएगी। सो इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। ओके सो यहाँ पर आपकी एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि आपको एट ऑफ कॉइन्स, आपके खुद के फाइनेंस को भी संभालना है, खुद को भी संभालना है। ओके और आपके इमोशंस को भी संभालना है। ओके हर जगह पर जो आपको तकलीफ दी जाती है, सो यहाँ पर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करके है, ये आप ध्यान में रखिए कि आपको आगे कौन लेके जा रहा है, इतनी सारी तकलीफों से आपको निकाल कौन रहा है। सो आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है, एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर ट्रस्ट रखिए और खुद के ऊपर भी ट्रस्ट रखिए। सो आपका सक्सेस आगे है। ओके सो यहाँ पर हम फाइनली देखते हैं गाइडलाइन एंजल्स की तरफ से, फेरी की तरफ से क्या गाइडलाइन है आपको। स्टार गेजिंग, ओके सो ब्यूटीफुल कार्ड आया है आपके लिए। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप जब भी डिप्रेशन में जाते हो, जब भी आपको
अकेला महसूस होता है। सो आप यहाँ पर स्टार के साथ में, मून के साथ में, आप आपका डिप्रेशन बता सकते हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो आपके लाइफ में जो भी आपको अच्छा मैनिफेस्ट करना है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहाँ पर स्टार और मून के साथ बिताया करो। सो आपको यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी रिसीव होगी और आपके जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो होप्स लगा कर रखना है, बॉटम ऑफ द डेक है, ओके। सो आपको यहाँ पर होप्स रखना है, आपको होप्स नहीं खोना है, और निगेटिव सिचुएशन से ही आपको यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी में आपको निकलना है और रहना है, ओके। सो आपका जीवन यहाँ पर बहुत अच्छे से बदल जाएगा। कि यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल गाइडलाइन आई है, आपको वो रिसीव करना है, ओके। आपके ज़िंदगी में बहुत सारे रंग है, ओके। हर एक रंग का आपको एक्सपीरियंस मिला है। सो आप ब्यूटीफुल कलर्स भी आपके ज़िंदगी में आएंगे। ये होप्स रखना है और उस होप्स के लिए आगे बढ़ना है। सो गाइज, यहाँ पर मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो जिनसे भी रेजोनेट होती है उन्होंने लाइक ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।